हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब नमस्कार जी सारिआं नूं। मैं अंगुरमीत कौर पिंड पंजाब चैनल पर तुहाड़ा स्वागत है। हुण जिहड़ा मींह है जी पै के हट गया तो बहुत सोहणा मौसम होया होया, ठंडा ठंडा जिहड़ा मौसम है हो चुकिआ गा। तो आपां वी कुछ खाण पीण की तैयारी करदे हां जी, क्योंकि अपने रिश्तेदार भी आए हुए ने, साडे कजन सिस्टर आए हुए ने ते नाल साडे दोती आए हुए ने। आपां कुछ खाण पीण की तैयारी करदे हां, पकौड़े बनाउणे आंगे। तो नाले अज मौसम ठंडा जी, तो मानसून है जिहड़ा पंजाब दे विच आ गया, फिर सैलीब्रेशन तो बनती है, खाना पीना तो बनता है। तो नाल ही जिहड़ा आपां कुकवेयर सैट लिया जी, स्टील वाला कड़ाही ते फ्राई पैन, नाले आपां जोदा टेस्ट करदे हां, उहदे विच आपां चटनी बना लैने, खट्टी मिठी चटनी इमली दी। तो नाले तो जी आपां खट्टी मिठी चटनी की तुहानू रैसपी दे देंगे। तो नाले आपां जिहड़ा उह लिया सीगा सैट लिया सी फ्राई पैन हैगा, उहदे विच बना लैने आपां, ते नाले आपां उहदा टेस्ट हो जूगा अपना भी उह ठीक है जां ना ठीक हैगा। तो आप वीडियो शुरू करते हैं जी, तो आपको समान दसते हैं भी ये वास्ते कि समान की लड़ पैंती है, खट्टी मिठी चटनी बनाने वास्ते, इमली की खट्टी मिठी चटनी बनाने वास्ते आप समान देख लें जी। चलो आप वीडियो शुरू करते हैं, उस तो पहले चैनल पर नवे प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लो जी, तो ही बैल का ऑप्शन आऊगा उन्होंने ओके कर लियो, ताकि आने वाली वीडियो तो नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाल ही अपना जो सैकंड चैनल है जी पंजाबी कॉर्नर, वह लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुसी उन्हों जाके भी जरूर सबसक्राइब करो जी। चलो जी आप चलते हैं रसोई, तो फिर आप करते हैं कड़ाही का टेस्ट, तो नाले आपां रैसपी दिंदे आंगे इमली की खट्टी मिठी चटनी। चलो जी चलिए। यह हैगी जी गड़बी च मेरे को इमली, इनू मैं ना 2 घंटे पहला गर्म पानी के भिउंदा सी, हुण आपां इहदा जिहड़ा इहनू मसल के कढ लईए, चाहे गुद्दा इहदा, चाहे आपां इहनू ना मिक्सी दे विच आपां चला के भी कढ सकदे आंगे। चलो इहनू आपां मिक्सी दे विच चला के कढ लैंदे आंगे। ये मेरे को ना 1 कटोरी इमली दी सी, उनू मैं फिर 1.5 कटोरी पानी दी पा के गर्म पानी दे विच पा के इनू 2 घंटे वास्ते मैं रख दिता सी। 2 घंटिया के बाद यह इस तरह की हो जूगी। हुण आपां ना इहदा जिहड़ा बीज ने अलग करने ने, ते जिहड़ा इहदे विच पल्पा अलग करना गा, तुसीं चाहे हत्थ नाल मसल के कढ लिओ, चाहे मिक्सी दे विच चला लिओ, जिवें तुहानू ठीक लगदा उवें कर लिओ। मैंने यह मिक्सी वाले जग दे विच चला पा लिया गा, ते इहनू बस 2-4 गेड़ी देवांगे आपां, इस तों ज़्यादा इहनू चलाउण दी जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि जी अपने फिर यह बीज ने जिहड़े अलग हो जाएंगे, बस आप 2 बार घुमा लेना इनू। लो जी ये है कि अपना स्टील का फ्राई पैन जो हुणे हुणे आप नवा खरीदया, आप बना के वेख लिया भी कि कामयाब है, थले तो नहीं लगता उन्हें, है भी बहुत ज्यादा। इन एक बार मैं धो लैनी हाँ। तेनू हम पुनी बीती छान लें, जे नहीं निकलूगा तो पहले भी थोड़ा तुम पानी पा दो। पानी तुसीं अपने हिसाब दे नाल रखना, क्योंकि जे पुन्नी दे विच भी आपां फिर छानना इहदे विचों कढ़ना हैगा, ज़्यादा पानी ना पायो फिर आपां नूं पानी बचाउणा भी औखा हो जूगा। वेख के तुसीं अपने अंदाजन दे नाल पानी पा लिओ फिर, क्योंकि जे इहदे विच गुड़ पऊगा उंज कुछ जिहड़ी अपनी इह सॉस बणूगी, चटनी बणूगी, इह गुड़ दे नाल भी थिक हो जूगी। ज़्यादा पानी भी नहीं पाउणा हैगा, ते इस तरह भी नहीं हैगा भी तुसीं बिल्कुल औखे हो ही जाणोगे भी अपना जिहड़ा इह पल्प निकलदा नहीं हैगा, तां आराम पानी पा लिओ जिन्नी कि तुहानूं लोड़ होई, भी जिहड़ा इह छाननी दे विचों पुन्नी दे विचों आराम दे नाल निकलिया भी इन्ना क पानी पाउणा हैगा। तेन तुसीं चमचे दे नाल इस तरह हिला हिला के ना इहदा जिहड़ा पल्प है अलग कर लेना, तो बीज ने जिहड़े इहदे अलग छान लैणे ने, इस तरह इहनू आपां छान लांगे। ये लो जी आप इमली छान ली है, तो ये इन्ना बीज के रेशे ये निकल गए ने, तो अपने को पल्प हूँ आप तैयार करते हैं। ये इमली का पल्प मैं पा दिता है जी अपने फ्राई पैन के विच, गैस ऑन कर दिता गा, इनू आप उबलन दिने, तो ये वास्ते जो समान चाहिए आप इकट्ठा कर लेने सारा। ये हैगा मेरे को गुड़, ये आप अंदाजे ही पावे, 100 ग्राम इमली से जिन्ना आप इमली लवेंगे उन्ना गुड़ ले लेंगे, अपने हिसाब न रखो, जो तुम ज़्यादा मिठी नहीं खानी तेन तुम घट रखा। आप हैगी काली मिर्च, यह हैगा जी लून सिंपल चिट्टा लून, यह हैगा काला लून, यह हैगी लाल मिर्च, तो यह हैगी हिंग, 2 समान ये होर पैणगे मैं तुम दसदी हाँ कि हूँ। सब तो पहले आप गुड़ पा देंगे, तुम खंड भी पा सकते हो पर गुड़ नाल ज़्यादा वधिया बनती है, नहीं तो संघनी बन जाती है।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ये जी फ्राई पैन आ जी अजे तक का कुकिंग है जी वधिया हो रही है, यदि कोई अजे प्रॉब्लम नहीं आ रही। जितों ये मैं तुम चमच ला के विखा रही हूँ इतों यह चिपक जाता कई बार जो आप खाना बनाना ना इतों कड़ाही जलन लग जाती है। जे पतली होगी स्टील की कड़ाही इतों जलन लग जाती, स्टील से प्रॉब्लम आती है। तो जे अपना जोड़ा बॉटम है यदि थल्लेगा जाने के फ्राई पैन का जे हैवी है फिर थलों का कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस साइडा तो जी कड़ाही हैगी उतों जलनी शुरू हो जाती है, निशान पै जाता उत्थे जलने का। चलो जी आप बना के वेखते हैं चटनी भी किस तरह का रिजल्ट है, तो फिर आप कड़ाही नंबर देवे, कड़ाही नहीं सॉरी फ्राई पैन नू। लो जी गुड़ अपना मेल्ट हो गया, ये हैगी है लाल मिर्च, जिन्ना तुसी तिखा खाना उन्ना पा लियो, पहला तुसी घट रखियो क्योंकि जी फिर घट का इलाज है, ज्यादा का कोई इलाज नहीं। काली मिर्च, लून, लून मैं घट पाया जी जान के फिर आप चेक करके पावे, काला लून तेज पावे, आप हिंग इन्नी क हिंग बहुत है जी, तेन आप पकड़ दें ये मेरे को वाला पाउडर है जिहड़ा आप जीरा भुन के बनाया सी दही वास्ते सकंजवी वास्ते, ये आप वरतांगे। जे तुसी ये नहीं बनाया ना तो तुसी कल्ला जीरा भुन के पा लियो, इस करके मैं लून भी घट पाया क्योंकि ये भी अपना लून पाया हुआ एक चमच भर के पाया है। जीरा तुसी तवे ते भुन के ना उन्हें कुट लियो, तेनू आप पक्कन देवे हूँ चंगी तरह जिन्ना चिर थिक नहीं हो जाती। ये ना मैं बिल्कुल माड़ा जहाँ ये कलर पाया गा जलेबिया वाला, मैं थोन दस दी भी मैं किन्ना का पाया गा, इन्ना क ना बस मैं ये जलेबिया रंग पाता, तुसी इस तो वध नहीं पाउणा। जे तुसी नहीं भी पाउणा कोई गल नहीं, स्किप करना कर दिओ जी, इहदे विच इह सिर्फ रंग देण वास्ते हुंदा, अपना उंजे दा रंग है गुड़ नाल भी बहुत सोहणा आ जांदा गा। जे तुहाडे कोल गुड़ नहीं हैगा तुसी खंड पा रहे हो, तुसी इन्ना क रंग पाउणा, इस तो ज़्यादा नहीं पाउणा, बस एक पिंच है। ये इन्हू पांच मिनट हो गए पकदी नू, इहदे विच आपां लून मिर्च चैक कर लैणे आ भी किस तरह दा हैगा। ये लून मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है जी, मिठा बहुत ज़्यादा घट है गा। यह मैं होर चीनी पाई है थोड़ी जी, पहला गुड़ पाया सी क्योंकि मैं मिठी घट लगी, तो तुसी ये मगज जरूर पाए जो तुहाडे कोल हैगे ने, मेरे को मगज नहीं है इस करके मैं नहीं पा रही। कड़ाही अजे तक अपना बहुत वधिया कुक करिया जी, बिल्कुल भी नाल नहीं चिपकिया कितने भी कुछ भी, आ वेखो नहीं सॉस नाल थले जलन लग जाती है क्योंकि सॉस संघनी होंदी है। चीनी पाई आप थोड़ा टाइम इन होर पका लें। लो जी जी अपनी चीनी है इनू भी सेक लग गया, तो अपनी जी सॉस है बिल्कुल तैयार है, गैस आप ऑफ कर दें हूँ। लो जी आप नवी कड़ाही की मुहूर्त कर दी है, ये आप सॉस बना ली है, हूँ मैं थोड़ा कड के दिखा भी ये कड़ाही है जली तो नहीं थलो कितों, फिर आप कड़ाही नंबर देवे जिन्हें बनते हैं। लो जी आप ये जो डोंगा है बाउल है इनू भी आप अज इस्तेमाल कर लें, भी ये वाला बाउल है जोड़ा दही भल्ले वाले सैट न, ये कट लें आप सॉस अपनी चटनी मिठी खट्टी मिठी चटनी। लो जी मैं थोड़ा साइडा दिखाई हाँ, बहुत ज़्यादा यह थिक सी सॉस जी कितों भी कुछ नहीं होया कड़ाही नूं, मैं तुहानूं साफ करके दिखाउंदी हाँ। जिहड़ा अपना पैन सी ये मैं बिल्कुल साफ कर दिता है, कितों कुछ नहीं होया इहनूं, पूरी वधिया इहने कुकिंग करी है, कितों कोई जली नहीं जिहड़ी अपनी, कितों कोई भी चीज़ इहदे नाल लगी नहीं, जलिया नहीं है कुछ भी।
जो अपने ये सॉस पकाने आ साइडा तो ना ये जलनी शुरू हो जाती है, इतने लग जाती है पर बहुत वधिया बिल्कुल क्लीन होगी कढ़ाही बिल्कुल हल्के नाल कोई अपन स्क्रब की लोड़ नहीं पई। तो थलों देखो जी यहाँ हेठला जी ये भी पूरी वधिया पई है, कुछ नहीं होया। चलो जी ये जो अपना स्टील का फ्राई पैन से हो गया जी पास, इन पूरे 100 चो 100 नंबर है, बहुत वधिया। जो तुम खरीदना चाहते जरूर खरीदो जी। तो आप खट्टी मिठी जी चटनी है यदि आप रेसिपी दे दी है, तो आप पकौड़िया की तैयारी करते हम पकौड़े बनाने आगे। चलो जी आपां तुहानू इमली की खट्टी मिठी चटनी की रेसिपी दे दी है, तो नाल ही आपां जिहड़ा फ्राई पैन लिया सी जी उहदा भी टैसट कर लिया, बहुत वधिया जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। तुसीं जरूर खरीदो, मैं तो यही कहूँगी भी वधिया हैगा। तो बाकी एक अद्धी बार आपां सुक्की सब्जी बना के वेख लाँगे, आपां जिहड़ी इहदी कड़ाही हैगी उह भी टैसट कर लाँगे। कड़ाही का जी इस तो फ्राई पैन तो भी ज़्यादा हैवी हैगी, जो इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैनूं नहीं लगता भी कड़ाही दे विच कोई प्रॉब्लम आऊगी। चलो जी फिर आपां तुहानूं रेसिपी भी दे दी है, तो कड़ाही भी टैसट कर ली हैगी। फिर नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।